नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज़ न्यूज़ चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहे बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली खबर मिले सबसे पहले आपको। जो जनता के काम हैं, जनता की समस्याएं हैं, जनता की आवश्यकताएं हैं या जनता की जरूरतें हैं, उन सब के लिए हम पहले नंबर एक पर सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाएंगे। यानी कि अगर कोई भी काम हमारे अधिकारगणों के पास आएगा, हमारे प्रतिनिधियों के पास आएगा, तो उसका हम सरलीकरण की प्रक्रिया करेंगे और दूसरे नंबर पर हम उसको समाधान की ओर ले जाएंगे। यानी कि अगर कोई काम आया है उसका सरलीकरण करना है, सरलीकरण करने के बाद उसका समाधान करना है, और जब उसका समाधान हो जाएगा तो उस पत्रावली का निस्तारण करना है, यानी कि वो पत्रावली पूरी तरह से समाप्त कर देनी है। यानी कि काम हो गया, पत्रावली पूरी हो गई। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मैंने कहा है कि कई बार हमने कहा है सरलीकरण करेंगे, समाधान करेंगे, निस्तारण करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पता चला काम आया और काम आने के बाद कह दिया कि नहीं ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये काम तो असंभव है, और उसका निस्तारण कर दिया। हमें इस प्रकार के निस्तारण की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम रास्ता निकालेंगे, हम समाधान करेंगे, उसका सरलीकरण करेंगे और उसके बाद उसका निस्तारण करेंगे। इसी प्रकार से आप सब लोगों के बीच में से लगातार ये बात आती थी कि हम दफ्तरों में जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं तो अधिकारीगण मिलते नहीं हैं। हमने कहा है प्रत्येक कार्य दिवस पर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रत्येक अधिकारीगण अपने दफ्तरों में मिलेंगे और वो जनता की सुनवाई करेंगे। हम तहसील दिवसों को भी फिर से लगा रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण बहुत समय से ये तहसील दिवस हमारे संचालित नहीं हो पाए हैं, उन तहसील दिवसों को भी संचालित करेंगे। हमने बहुत सारे फैसले लिए हैं, उसमें से कुछ फैसले हमने आप सबके इस क्षेत्र में जो यात्रा है, पर्यटन का सीजन है, जो यात्रा का सीजन है वो यात्रा